तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेक्स्ट लेक्चर को देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्लोप और इंक्लिनेशन से रिलेटेड बात हमने समझाया था और उसके आगे हमने स्लोप समझाया था। चलिए उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हमें पढ़ने हैं कि टू पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप। मतलब अगर हमें दो पॉइंट गिवेन हो, एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा x1 कॉमा y1 और दूसरा पॉइंट बी जिसका कोऑर्डिनेट हमने लिखा x2 कॉमा y2, तो इस दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन होगा, इस दोनों पॉइंट से जो पास होने वाला लाइन होगा उसका स्लोप हम लोग कैसे निकालेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने x माना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने एक्स नहीं ए माना और इसको बी माना। तो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? देखिए इसका विशेष इस पर बात हम लोग करेंगे फिर क्लास में, और बात आता है इसके प्रूफ का। तो फिलहाल अभी प्रूफ को हम नहीं बता रहे हैं, आपको सिर्फ फॉर्मूला मैं यहां दिखा रहा हूं। फिर हम लोग जब क्लास करेंगे तो उस समय फिर हम लोग पूरे फॉर्मूला को प्रूव करके जो है हम लोग फिर आगे काम करेंगे। तो अगर किसी टू पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप हमें फाइंड करने हो, तो स्लोप ऑफ ए बी हमने लिखा तो क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। कहने का मतलब कि दोनों पॉइंट के जो वाई कोऑर्डिनेट है उसका डिफरेंस अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी दो बिंदुओं से होकर पास होने वाले लाइन का स्लोप हमें ज्ञात करने हैं। तो हमें क्या करने हैं कि दोनों पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को सब्सट्रैक्ट कर देना है और डिवाइड में क्या लिखना है, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं y1 वन माइनस वाई टू अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, ये हमारा जो है स्लोप ऑफ ए बी हो गया, यानी कि दो बिंदु से यानी टू पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप। यानी आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, कभी भी दो पॉइंट गिवन होंगे और दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप हमें फाइंड करने होंगे तो y1 वन माइनस वाई टू बाई एक्स वन माइनस एक्स टू फॉर्मूला यूज करो, या ये दोनों सेम बात है। तो ठीक है, यानी हमने यहां देखा कि दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के स्लोप हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके हम दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के स्लोप को फाइंड करेंगे। एग्जांपल हम लोग अगर देखें, एक पॉइंट अगर हमें गिवन है 2 कॉमा 3 और दूसरा पॉइंट बी जो 5 कॉमा माइनस 7 है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन जो होंगे उसका स्लोप क्या होगा, तो यहां थोड़ा इंग्लिश में लिखना हमें है, उसको करेंगे क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी, तो क्या हमने बताया है, पहले फॉर्मूला आप लिख लो, तो y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। जैसा कि क्लास टेंथ में ही हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे तरह से पढ़ा है, इसमें a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 मानेंगे, y कोऑर्डिनेट को y1 मानेंगे, b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को x2 मानेंगे, y कोऑर्डिनेट को y2 मानेंगे। अब हम लोगों को करना क्या है कि इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने, और पुट करेंगे तो इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले जो लाइन है उसका स्लोप फाइंड हो जाएगा। तो y2 का वैल्यू यहां गिवन है माइनस सेवन, माइनस बीच में दिया है तो माइनस एक्स, y1 का वैल्यू दिया है 3, हमने यहां 3 पुट किया, अपॉन x2 का वैल्यू 5 दिया है, अब माइनस x1 का वैल्यू क्या है तो 2 है, तो हमने यहां 2 लिख लिया, माइनस सेवन और माइनस 3 माइनस 10 अपॉन 3। तो ये ए बी लाइन से पास होने ए बी पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप हो गया। तो जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि यहां स्लोप निगेटिव है, इसका मतलब इनक्लाइनेशन जो होगा अर्थात एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनाया गया कोण जो होगा, ए बी यानी कि ए बी पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बना है वह लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगा वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा अर्थात अधिक कोण होगा, क्योंकि
प्रीवियस वीडियो में ही हम आपको बताए थे कि अगर कभी स्लोप निगेटिव है तो इसका मतलब एंगल इंक्लाइनेशन जो है अब्ट्यूस है, यानी अधिक कोण है। अगर यही स्लोप पॉजिटिव आता तो ये हमें समझ में आता कि इंक्लाइनेशन अर्थात जो एंगल बनता है जो हमने इस पर चर्चा किया था वह एक्यूट है, अर्थात क्या है तो न्यून कोण है। तो किसी भी दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर दो पैरेलल लाइन अगर है तो उसके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा। सपोज एक लाइन हमें गिवन है L1 और दूसरा लाइन हमने एक लिया L2, ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन के स्लोप के बीच क्या रिलेशन होता है, ये बात आपको ध्यान रखने हैं। अगर हमने L1 लाइन के स्लोप को M1 मान लिया और L2 लाइन के स्लोप को M2 मान लिया तो यहां पर L1 और L2 लाइन पैरेलल है, हेयर L1 पैरेलल टू L2, अगर दोनों का दोनों पैरेलल है तो इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा, टू पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है M1 इक्वल टू M2, दो पैरेलल लाइन के स्लोप आपस में बराबर होते हैं। मतलब आपको कभी ये प्रूव करना है कि गिवन लाइंस पैरेलल है तो आप जो दो लाइन दिए गए हैं दोनों के अलग अलग स्लोप निकाल लीजिए, अगर दोनों का स्लोप अगर बराबर होता है, स्लोप ऑफ सपोज एक लाइन को हमने L लिखा L1 लिखा दूसरे को L2 लिखा तो सपोज L1 स्लोप ऑफ L1 इक्वल टू स्लोप ऑफ L2, अगर हम ये बात प्रूव कर पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि गिवन लाइंस आर पैरेलल। इस प्रकार हम दो लाइन को पैरेलल दिखा सकते हैं। आपके मन में यह बात एडजस्ट हो जाने चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं तो उसके स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब अगर हम बात करते हैं दो लाइन के परपेंडिकुलर होने का, यानी दो लाइन ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, दोनों के बीच अगर थीटा का जो वैल्यू है 90 डिग्री का है, यानी एंगल 90 डिग्री है, तो उस कंडीशन में स्लोप के बीच जो रिलेशन होगा, L1 लाइन का स्लोप को हम अगर M1 मान लिए और L2 लाइन के स्लोप को अगर हम M2 मान लिए तो दोनों के स्लोप के बीच रिलेशन क्या होगा, तो M1 इंटू M2 जो होगा माइनस वन के इक्वल होगा, माइनस वन के इक्वल होगा। यानी इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल देन स्लोप ऑफ बोथ लाइंस आर इक्वल, इफ L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर देन द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप मींस M1 इनटू M2 इक्वल्स टू माइनस वन। इसे क्या समझ में आया कि अगर दो लाइन पैरेलल है इसका मतलब दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि पहले लाइन का स्लोप और दूसरे लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होगा। यानी कभी हमें परपेंडिकुलर प्रूव करने हैं तो दोनों का स्लोप निकालकर प्रोडक्ट करके चेक करना है, अगर दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो मान आएगा वो अगर माइनस वन आ गया इसका मतलब दोनों का दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। अब अगर हम बात करें दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड, अगर हमें स्लोप गिवेन हो तो दो लाइन के बीच का हम एंगल भी फाइंड कर सकते हैं। सपोज L1 एक लाइन गिवेन है और दूसरा लाइन L2 है, एक L1 लाइन है दूसरा L2 लाइन है, दोनों लाइन के बीच अगर थीटा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है तो ये हम थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम इसके स्लोप को M1 मान ले और L2 लाइन जो है उसके स्लोप को अगर M2 मान ले तो tan थीटा इक्वल टू होता है M2 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 इंटू M1 इंटू M2। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम दो लाइन के बीच के एंगल को फाइंड कर सकते हैं। यहां M2 क्या है तो दूसरे लाइन का स्लोप माइनस पहले लाइन का स्लोप अपॉन यानी बटा 1 प्लस M1 इंटू M2 यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट। अगर हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमारे पास tan थीटा का वैल्यू निकलेगा, सपोज tan थीटा का वैल्यू 1 होता है, अगर M1 और M2 का वैल्यू पुट करने के बाद 1 आता है तो हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan थीटा बराबर यहां 1 है तो 1 tan कितना डिग्री का वैल्यू तो 45 डिग्री का वैल्यू, तो दोनों तरफ अगर हम थीटा को कंपेयर करेंगे तो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा जो हमारा आंसर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां दोनों के बीच का एंगल क्या होगा तो 45 डिग्री होगा।
तो आपके स्ट्रेट लाइन के फर्स्ट एक्सरसाइज में जो भी थ्योरेटिकल बात थे हमने उसको आपको समझा दिया। अब हम लोग बात करेंगे, अब कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, उस क्वेश्चन को मैं समझाऊंगा और उसको बनाऊंगा और आपको समझना है। और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ आपको एक पीडीएफ पेज जाएगा, जो हमने थ्योरी पढ़ाया है उससे रिलेटेड पेज होगा। तो जितने भी प्रश्न होंगे आपको सारे क्वेश्चन को दो दिन के अंदर आपको कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये मैक्सिमम आपको क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो ये दो दिन के अंदर आपको जितने भी प्रॉब्लम होंगे उस सारे क्वेश्चन को नोट कर आप जो है व्हाट्सएप पर भेजेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन हम एक वीडियो अलग करके मैंने वीडियो अलग बनाएंगे जिसमें सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसको हम लोग बनाएंगे। तो बात आता है कि अगर हमें एंगल गिवेन हो, सपोज इंक्लाइनेशन देने का मतलब एंगल गिवेन हो, एंगल यहां जब भी बात आएगा तो थीटा का वैल्यू, सपोज क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है, इंक्लाइनेशन 60 डिग्री का मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम यहां लिख लिए थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि क्वेश्चन में कि स्लोप फाइंड करें, तो जैसा कि हमने पढ़ा था स्लोप के लिए कि स्लोप जो होता है टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है, यानी टेन थीटा यानी एम बराबर टेन थीटा बराबर टेन कितना डिग्री, तो 60 डिग्री, और टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंडर थ्री। तो मतलब जो लाइन है जो जिसका इंक्लाइनेशन 60 डिग्री है तो उस लाइन का स्लोप रूट अंडर थ्री होगा। तो अगर हम इसमें एक और क्वेश्चन ले लें कि 150 डिग्री थीटा का वैल्यू, तो फिर हम लोग उसी प्रकार करेंगे m बराबर tan थीटा, m यहां क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यानी स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, tan कितना डिग्री, तो tan 150 डिग्री, तो 150 डिग्री यहां पर tan थीटा, tan 150 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। तो जब भी 90 डिग्री से बड़ा वैल्यू हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा वैल्यू हो, तो आपको सबसे पहला काम करना है कि 180 डिग्री में से 150 डिग्री को घटाना है, यानी कि अगर बड़ा वैल्यू हो 90 डिग्री से तो आपको सबसे पहला ये काम करना है। तो 180 डिग्री में से 150 डिग्री घटाएंगे तो 30 डिग्री होगा, तो tan 30 डिग्री का जो भी मान होगा उसको पहले आप लिख लो, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाई रूट अंडर 3। अब बात आता है यहां हमें स्लोप 1 बाई रूट अंडर 3 मिला, अब बात आता है 1 बाई रूट अंडर 3, ये जो tan थीटा है एंगल से जैसा कि दिख रहा है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको समझाया था कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है निगेटिव, tan का जितने भी वैल्यू होंगे सारे के सारे निगेटिव होंगे। तो यहाँ tan 150 डिग्री जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वह निगेटिव होगा, यानी इस कंडीशन में स्लोप निगेटिव होगा। तो जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा 180 डिग्री से छोटा होगा तो ऑन दैट टाइम स्लोप निगेटिव होगा, अगर थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच लाई करेगा तो स्लोप का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और बात करते हैं अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन दैट टाइम स्लोप नॉट डिफाइन होगा, यानी उस कंडीशन में हम लोग स्लोप को फाइंड नहीं कर सकते। अगर थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होगा तो ऑन दैट टाइम स्लोप भी जीरो होगा, मतलब उस कंडीशन में ढाल कुछ भी नहीं होगा। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो इन सभी बातों का वहां पर यूज करने होंगे। ओके, अब इसी के अपोजिट हमने बात पढ़ा है कि अगर स्लोप दिया रहेगा तो थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो चलिए वो चीज हम नहीं देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है, हो सकता है कि आपको इंग्लिश में किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो, तो उससे बिल्कुल भयभीत नहीं होइए, कहीं ना कहीं आपको जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्यूशन करने के लिए काम कीजिए। प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अब बिहार बोर्ड से पर रखे हो तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, लेकिन बात आता है सीबीएसई के विद्यार्थी से हम लोग कहीं से भी पीछे नहीं हैं। तो बात आता है कि कहीं से भी दिक्कत होता है तो अभी हम लोग को डिक्शनरी का सहारा लेना पड़ेगा। आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हो, डिक्शनरी अपलोड करो, जो भी वर्ड में प्रॉब्लम है उसका हिंदी मीनिंग देखो और उसके नीचे हिंदी लिख लो, ताकि आपको जिस समय भी उसको पढ़ो तो उसमें आपको पढ़ने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, क्योंकि हिंदी में अंडरस्टूड बात कर लोगे, लेकिन कुछ दिनों की बात है, एक महीना दो महीना आप मेहनत करो, उसके बाद आपको इंग्लिश ईजी लगने लगेगा।
ओके तो चलिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, यानी कि लाइन का स्लोप फाइंड करें। इफ यहां नहीं लिखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, अगर वह लाइन दो बिंदुओं से पास कर रहा हो, मतलब हमें लाइन का स्लोप फाइंड करना है अगर 2.3 और 5.7 से वह लाइन पास कर रहा हो। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा और जितने भी टर्म को हमने पढ़ा है उस सभी बातों को ध्यान रखिएगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा। हम लोगों को क्या करना है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप फाइंड करना है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है स्लोप निकालने का, दो बिंदु से पास होने वाले लाइन के स्लोप निकालने का, y2 - y1 / x2 - x1, आप इस फॉर्मूला का बिंदास यूज करो। इस फॉर्मूला का यूज करोगे तो किसी भी दो बिंदु से पास होने वाले लाइन के स्लोप को हम फाइंड कर लेंगे। हाँ, बात याद रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब आपके पास दो बिंदु गिवेन होंगे, ठीक है। चलिए इसको हमने ए माना और इसको इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिखे, इक्वल नहीं लिख सकते हैं तो हमें इस प्रकार समतुल्य का साइन देना है, जिसको लिख लेते हैं 2.3 एंड बी 5.7। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों पॉइंट्स के पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप निकाले। तो यहां दोनों पॉइंट से पास होने वाला लाइन कौन होगा, तो ए बी लाइन होगा। अगर दो पॉइंट है, एक को हमने ए माना दूसरा को बी माना, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन है इसको हम कह सकते हैं ना कि ए बी लाइन है, यानी स्लोप ऑफ ए बी हमें फाइंड करना है। देन देखो कैसे हम लिखते हैं, उस पर ध्यान देना, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू, अब फॉर्मूला यहां पर पुट कर लो। तो यहां जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूला को हम यहां पर लिखेंगे, y2 - y1 / x2 - x1। तो यहां पर क्या होगा, y2 का वैल्यू क्या है, तो y2 का वैल्यू यह 7 है तो हमने यहां पर 7 पुट किया, माइनस y1 का वैल्यू क्या है तो 3 है तो हमने यहां 3 पुट किया, अपॉन x2, x2 का वैल्यू क्या है, तो यहां पर आप अपने को समझाने के लिए यहां पर लिख सकते हो x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब यहां पर हम लोग को वैल्यू पुट करने हैं x2 का वैल्यू 5 है तो हमने यहां 5 लिखा, x1 का वैल्यू कितना है तो 2 है तो हमने यहां 2 लिखा, 7 में से 3 घटेगा 4, 5 में से 2 घटेगा तो 3 4 upon 3। ये क्वेश्चन के आंसर हो गए, यानी इसी प्रकार अगर दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के स्लोप आपको फाइंड करने होंगे तो इस प्रकार से हम दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन के स्लोप को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आई होप कि आप समझ रहे होंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन एक दिया है, पहले तो क्वेश्चन को पढ़कर जो भी उसमें बात दिया गया है उसको आप लिख लो। सबसे पहला काम करो, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2.5 and x.3। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है फिर उसको पढ़ते हैं, इफ द स्लोप ऑफ द लाइन, यदि किसी माने किस थी, यदि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप 2 हो, यानी स्लोप 2 दिया है, यानी m का वैल्यू 2 दिया है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला जो लाइन है उसका स्लोप 2 दिया है, तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड का मतलब हो गया पाधी, ज्ञात करें क्या चीज, तो x के वैल्यू को। तो इसको हमने ए माना, इसको बी माना, चलिए अब इस दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन का स्लोप 2 दिया है, तो यहां m इक्वल टू 2 दिया है, तो m के जगह पर हम फॉर्मूला पुट करेंगे दो पॉइंट से पास होने वाले लाइन का, y2 - y1 / x2 - x1 इक्वल टू 2। चलिए यहां पर हम लोग डिनोट कर लेते हैं, ये x1 का वैल्यू, ये y1 का वैल्यू, ये x2 का वैल्यू, ये y2 का वैल्यू, हम लोग यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, y2 का वैल्यू क्या है तो 3 - 5 / x - 2 = 2, 3 में से 5 घटेगा तो -2 / x - 2 = 2, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - 4 = -2, अब हम यहां लिख लेंगे 2x = -2 + 4, -4 को राइट हैंड से लेगा तो +4 में से 2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, x निकालेंगे तो 2 जाएगा इसके बाई में, हेंस
एक्स इक्वल्स टू, तो यहां पर 2x इक्वल्स टू दिस, हेयर x इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 मीन्स 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, जो कि हमारा आंसर है। क्वेश्चन में कहा जा रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो देख रहे हो कि जैसा हम लोग क्वेश्चन का यूज कर मैंने फॉर्मूला का यूज करके जिस टाइप के भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग भली भांति बना रहे हैं। इसमें एक और टाइप के क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। सो डेट द इंक्लाइनेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x, -3 एंड 2.5 इज 135 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू दिया है 135 डिग्री। तो क्वेश्चन में देखो, इससे पहले हमने क्वेश्चन बनाया उसमें और इसमें थोड़ा का अंतर है, वहां स्लोप दिया हुआ था और यहां स्लोप नहीं देकर यहां थीटा दे दिया। तो थीटा का अगर हमें वैल्यू पता है तो हम लोग स्लोप तो फाइंड कर ही सकते हैं, व्हाई नॉट, थीटा का वैल्यू पता है तो हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं स्लोप का फॉर्मूला यूज करके। हेयर गिवेन थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री, मतलब यहां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन दोनों पॉइंट से पास होने वाले लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में 135 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो पॉइंट है एक्स कॉमा क्या तो -3, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो कोई बात नहीं है, थीटा दिया है तो आप स्लोप निकाल लो। एम इक्वल टू क्या होता है तो टेन थीटा, टेन यानी कि 135 डिग्री। और जैसा कि फिर यहां दिख रहा है कि वो ये जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब कि इसको हम क्या करेंगे तो 180 डिग्री में से घटाएंगे, तो 180 डिग्री में से 135 डिग्री को घटाएंगे तो कितना होगा तो 45 डिग्री। तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। और ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना कि यहाँ निगेटिव साइन होगा तो एम का वैल्यू -1। तो बस यहाँ बस यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, थीटा दे दिया तो स्लोप निकाल लेना। और इससे पहले हमने क्वेश्चन में ऐसा ही काम किया था, वहां स्लोप गिवेन था तो हमने फिर यहां पर फॉर्मूला लिखा था y2 - y1 / x2 - x1 = -1 लिखकर आप फिर उसको सॉल्यूशन करोगे तो एक्स का वैल्यू फाइंड कर लोगे। ओके, आप इसको खुद बनाओगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग चेक देखेंगे। हमने एक बात आपको बताया कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो आपको क्या याद रखना है कि दोनों का स्लोप इक्वल होगा। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होगा तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। क्या साहब समझ में आ रहा है ना, झूठ नहीं, ध्यान रखिएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है, चलिए समझते रहिएगा। तो बात आता है कि टू लाइन्स अगर पैरेलल होंगे तो मीन्स उसके स्लोप के बीच क्या रिलेशन होगा, तो दोनों लाइन के स्लोप आपस में बराबर होंगे। और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा -1 होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में एकाध दो क्वेश्चन हम इस पर बनाते हैं, उसको समझिएगा। सो डैट मतलब दिखाएं द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2, -3 पॉइंट को और -5, 1 ये दो पॉइंट्स दिया गया है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन है इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 7, -1 एंड 0, 3। जो मैं पढ़ रहा हूं उसका पीडीएफ पेज भी उस तरह के क्वेश्चन का जाएगा, तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आपको इस बात का भी ध्यान रखना कि अभी किताब वगैरह नहीं खरीदने हैं, जैसे ही आपके ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगे यानी कि क्लासरूम में जब आप पढ़ेंगे बैठ के, तो उस कंडीशन में आपके जो भी टीचर क्लास मैंने कहेंगे बुक प्रीफर करेंगे आपको वो बुक खरीदने हैं। अभी खरीद कर आप रुपया वेस्ट नहीं करेंगे, बिकॉज लॉकडाउन का समय है, आपको रुपया ज़्यादा हो गया है तो आप रुपया यहाँ आकर जमा कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ बात आता है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इन दो बिंदुओं से पास होने वाले लाइन
और इन दो बिंदुओं से पास होने वाले जो लाइन है, इन ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो सिंपल, तो सबसे पहला हम लोग काम कर लेते हैं, इस पॉइंट को अगर हम लोग ए मान ले, इसको बी मान ले, इसको सी मान ले, इस पॉइंट को डी मान ले। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होगा वह किसके पैरेलल होगा, तो सी और डी पॉइंट के मिलाने वाले लाइन के पैरेलल होगा। ये बात प्रूव करना है, सिद्ध करना है, होगा या नहीं होगा ये तो डजंट मैटर, बट कहा जा रहा है ये सिद्ध करें कि ये होगा। तो चेक हम लोग करके देखेंगे कि ऐसा है या नहीं है। तो ए बी का स्लोप हम लोग निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। आप डायरेक्ट अब काम कर सकते हो, फॉर्मूला ठीक है लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या करते हैं तो वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को हम न्यूमरेटर में डालते हैं। तो फर्स्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या पहले हम एक का कोऑर्डिनेट लेंगे फिर बाद में बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे, कोई भी लोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो तो हम वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस, वाई कोऑर्डिनेट को डिफरेंस करते हैं, यानी कि दोनों को घटाते हैं। तो माइनस थ्री हमने लिखा, माइनस वन, और बाई क्या लिखेंगे तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट टू है, माइनस माइनस फाइव, माइनस फोर अपॉन टू प्लस फाइव यानी माइनस फोर अपॉन सेवन। तो हमने यहां पर दिखाया कि मैंने हमने यहां पर ज्ञात किया कि एबी का स्लोप माइनस फोर अपॉन सेवन है। अब इसी प्रकार हम लोग सीडी का स्लोप निकालेंगे, अब ये इसके नीचे आप लिखोगे, चलिए स्लोप ऑफ सीडी फॉर्मूला फिर पुट करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या बताया गया है कि दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को आप घटा लो, तो सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस वन है और डी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट थ्री है, और अपॉन क्या तो दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी सेवन माइनस जीरो, माइनस वन और माइनस थ्री माइनस फोर, और सेवन में से जीरो घटाओगे तो सेवन। तो जैसा कि देखने को मिल रहा है कि स्लोप ऑफ ए बी माइनस सेवन माइनस फोर अपॉन सेवन है, और स्लोप ऑफ सी डी माइनस फोर अपॉन सेवन है, दोनों बराबर है। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि दो लाइन के अगर स्लोप इक्वल होंगे तो दोनों पैरेलल होंगे। चूंकि हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इसको बोलते हैं सिंस, सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी। यहां पर क्या है कि चूंकि स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी है, देन या सो क्या ए बी पैरल टू सी डी। तो इसको लिख लोगे आप, इस बात को अच्छा से आपने समझ लिया कि अब इसी प्रकार परपेंडिकुलर की बातें आएंगी तो हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग देखते हैं, स्टार्ट हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को फिर देखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आए होंगे कि अगर दो लाइन अगर पैरेलल होंगे इसका मतलब उसका स्लोप इक्वल होगा, दो लाइन परपेंडिकुलर होगा इसका मतलब उसका स्लोप क्या होगा, तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होगा। चलिए तो हम लोग अगले क्वेश्चन को एक देखते हैं कि सो डेट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू कॉमा माइनस फाइव, टू कॉमा माइनस फाइव एंड माइनस टू कॉमा फाइव, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वह परपेंडिकुलर है, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट सिक्स कॉमा थ्री एंड वन कॉमा वन, सिक्स कॉमा थ्री एंड वन कॉमा वन, यानी इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन इन दोनों पॉइंट के मिलाने वाले लाइन के परपेंडिकुलर है, यानी कुछ इस प्रकार का होगा। ये बात प्रूव कर रहे हैं दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो स्लोप निकाल लेते हैं, जैसा कि अभी हमने बनाया है इसे पहले वाले क्वेश्चन को, तो सेम टू सेम हम इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो यहां स्लोप ऑफ ए बी हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या लिखते हैं हम लोग न्यूमरेटर में, तो दोनों पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे माइनस फाइव माइनस फाइव अपॉन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो फर्स्ट का एक्स कोऑर्डिनेट टू है और बी जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट माइनस टू है, तो माइनस फाइव और माइनस टू माइनस टेन अपॉन टू प्लस टू यानी माइनस टेन अपॉन फोर,
टू और यहाँ फाइव यानी माइनस फाइव अपॉन टू। तो यहाँ पर ए बी लाइन का स्लोप हमने फाइंड कर लिया माइनस फाइव अपॉन टू। अब हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप सी डी का। स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, तो थ्री माइनस वन, थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन, थ्री माइनस वन टू बाई से फोर बाई फाइव। यहाँ पर ए बी का स्लोप माइनस फाइव बाई टू है और सी डी का स्लोप टू बाई फाइव। अब ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि स्लोप ऑफ ए बी इंटू इंटू मल्टीप्लाई कीजिए स्लोप ऑफ सी डी से, तो क्या रिजल्ट आएगा उसको चेक करना है। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या दिया है, माइनस फाइव अपॉन टू इंटू स्लोप ऑफ सी डी क्या दिया है, तो टू अपॉन फाइव। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो फाइव से फाइव कटेगा, टू से टू कटेगा, बचेगा माइनस वन। तो यहां दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर हो गया। सो ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, या हम सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी भी लिख सकते हैं। अच्छा सोचो कि एक ये लाइन इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्या इसका अपोजिट हम लोग सोच सकते हैं, क्या ये लाइन इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहा था, क्या इस पर ये लाइन 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं, ये चेक करना है। तो भी बात हुई है, तो हम ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी या सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी लिख सकते हैं। तो ये बात हो गया, इसका मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अब हम लोग पहले आप क्वेश्चन बनाओ, कुछ क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ के माध्यम से देंगे, जिसमें आपको फर्स्टली क्वेश्चन नंबर जो पीडीएफ में जाएगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको कल कंप्लीट करने हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन को आप व्हाट्सएप पर सेंड करोगे, तो 1 से 10 नंबर तक के क्वेश्चन को हम क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम होगा वो और उसके अतिरिक्त और टाइप के क्वेश्चन को समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।